नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी एग्जाम डेट 2020। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 18 मार्च 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स क्या आ रही है उसको देखते हैं और अफवाहों से रहे सावधान। सबसे पहले दोस्तों आपके मन में कंफ्यूजन आ रही है कि पेपर कैंसिल हुआ है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, काफी छात्रों के सुबह से हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर पेपर कैंसिल हो चुका है या पेपर अभी 23 तारीख से होगा। उसके बाद दोस्तों अगर पेपर कैंसिल हुआ है तो पेपर की नई तारीख क्या होगी उसको देखेंगे। और दोस्तों क्या बिना पेपर के डीएलएड छात्र पास हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल काफी छात्रों ने हमसे आज पूछा है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी परिषदीय स्कूलों के 1.6 करोड़ बच्चे बिना परीक्षा के हो चुके हैं पास। बेसिक शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण फैसला है। तो दोस्तों देखिए, जो ये फैसला आया वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए लागू होता है। तो आपने दोस्तों ये अपडेट्स को देखा होगा। तो क्या दोस्तों ऐसे डीएलएड के छात्रों के साथ हो सकता है कि आप प्रथम सेमेस्टर का पेपर दिए बिना सेकंड में पहुंच जाए, तो क्या आपको प्रमोट किया जा सकता है? उसकी अपडेट्स को हम देखेंगे इस वीडियो में। और देखिए, अब गणित की तैयारी अच्छे से करें। अगर आपको अब समय मिलता है तो दोस्तों आपको गणित की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 और डीएलएड तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020। तो एक एक करके दोस्तों आज सारी अपडेट्स को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो रेड कलर की सब्सक्राइब वाली बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी अपडेट्स को देखते हैं। पहले सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आज की न्यूज पेपर में क्या अपडेट आई। डीएलएड परीक्षाएं टली, प्राचार्य भर्ती पर असमंजस। तो दोस्तों ऐसा हम नहीं करें, ये आज का न्यूज पेपर ये खबर आपको दे रहा है कि डीएलएड की जितनी भी परीक्षाएं दोस्तों उसको टाल दी गई है। ये दोस्तों देखिए, ठीक है ना। तो फिलहाल आप लोग की जो कंफ्यूजन होगी अब आधी दूर हो चुकी होगी कि आपका पेपर होगा या नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको इतना तो भरोसा होना चाहिए कि जो न्यूज पेपर में खबरें आती हैं वो सही होती हैं और ऑथेंटिक होती हैं। तो देखिए क्या अपडेट है कि कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से बचाने, ठीक है ना, बचाव के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने डीएलएड की 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। वही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की एडेड महाविद्यालयों की प्राचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा भी पर भी दोस्तों इस समय असमंजस बना है। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने डीएलएड 2019 प्रथम सेमेस्टर व अन्य की परीक्षा 23 से 25 मार्च तक कराने का आदेश फरवरी माह में जारी किया था। इसी तरह डीएलएड 2018 तृतीय सेमेस्टर व अन्य की परीक्षा 26 से लेकर 28 मार्च तक कराने का आदेश 29 फरवरी को निर्गत किया था। इन परीक्षाओं के लिए सभी जिलों में राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेजों को परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित किया जा चुका था और प्रशिक्षुओं से ऑनलाइन आवेदन भी लिए जा चुके हैं। सचिव ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह दोनों परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में पहले ही कक्षाएं ठप हैं। आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 22 मार्च को प्रस्तावित है। इसमें 5 लाख से अधिक प्रतियोगी शामिल होना है। अभ्यर्थी परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया है। तो दोस्तों उसको छोड़िए, बात दोस्तों हम डीएलएड की कर रहे हैं। तो आपको काफी हद तक समझ में आ चुका होगा कि जो डीएलएड की परीक्षा है वो कैंसिल हो चुकी है। अगर दोस्त एक न्यूज पेपर पर भरोसा नहीं तो दूसरा न्यूज पेपर देखते हैं आज का ही। बीटीसी डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने 23 तारीख से लेकर 26 मार्च से शुरू हो रहे बीटीसी डीएलएड के अलग अलग सेमेस्टर की परीक्षाओं, जी हाँ दोस्तों पहले आपको पता होगा 23 तारीख से आपका प्रथम सेमेस्टर का पेपर शुरू हो रहा था और 26 तारीख से तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो रही थी, को स्थगित कर दिया है। तो स्थगित का मतलब दोस्तों होता है पेपर रद्द हो चुका है, पेपर कैंसिल हो चुका है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों अब आपके मन में जो डाउट्स होगा कोरोना को लेकर अब काफी हद तक आप ये समझ चुके होंगे कि आपका पेपर कैंसिल हो चुका है। ये दोस्तों बिल्कुल सही खबर है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ पहले व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, ताकि आप सभी जितने भी आपके दोस्त उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आपका पेपर कैंसिल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप कॉलेज से संपर्क करके ये पता कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो कि नहीं हमारी वीडियो में, अगर आपको डाउट लगता है कि नहीं यार पेपर तो कैंसिल नहीं हुआ है, तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करिए, वहां से पता कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी इसका आदेश आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल दोस्तों जो न्यूज़पेपर की अपडेट्स होती हैं ये बिल्कुल सही होती हैं, अखबारों में तो गलत फैसले आते नहीं हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि परीक्षा की नई तारीख क्या होगी अगर अब आपका पेपर कैंसिल हुआ। पहले एक बात समझनी पड़ेगी, जो डीएलएड का हमारा पेपर कैंसिल हुआ है वो क्यों हुआ है? वो कोरोना वायरस को लेकर हुआ है। सबको पता ना कोरोना के कारण ये पेपर को स्थगित किया गया है। तो हमारी जो दोस्तों नई तारीख आएगी तो ये एक बात इससे स्पष्ट होती है कि जो आपकी नई तारीख होगी जब तक कोरोना का कहर रहेगा तब तक तो फिलहाल आपका पेपर हो नहीं पाएगा। देखिए बातें हो रही है कि गर्मी के साथ दोस्तों जैसे गर्मियां बढ़ती जाएगी कोरोना का कहर कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों ये अभी तक प्रूफ नहीं है कि गर्मी बढ़ने से कोरोना कम होगा।
तो फिलहाल दोस्तों वेट करना पड़ेगा कि क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन जो परीक्षा की नई तारीख है उसको आप अप्रैल में फिलहाल मान के चलिए, अप्रैल के स्टार्टिंग में भी हो सकता है। फिलहाल जो सरकारी आदेश उसके हिसाब से आपकी 2 अप्रैल तक छुट्टियां हैं, तो आप मान के चलिए जो आपका पेपर होगा वो 2 अप्रैल के तो बाद ही होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। ठीक है, आज 18 तारीख है, तो मतलब आपके पास अच्छा खासा समय अब मिल चुका है। अगर आप से मतलब अभी से अगर आप तैयारी अपनी शुरू करते हैं तो भी दोस्तों आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, इस समय आप तैयारी करते रहिए, कंपटीशन का जमाना है, जितने अच्छे नंबर जितने ज्यादा नंबर ला सके पढ़ लीजिए, सही रहेगा, ठीक है ना। अगर आपकी तैयारी में होता ना, कभी कभी किस्मत भी आपका साथ देती है, तो इस समय हो सकता है किस्मत ने आपका साथ दिया हो। और अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आप पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे, जिससे दोस्तों आपके बैक लगने से बचेगा, ठीक है ना। तो अभी जैसे एक और अपडेट आई थी जो आप लोग काफी परेशान हो रहे हैं इसको लेकर के, जैसे परिस्थिति स्कूलों में 1.6 करोड़ बच्चे बिना परीक्षा के हो चुके हैं पास। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के 8वीं तक के सभी बच्चों को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया गया है। कोरोना के चलते स्कूलों में छुट्टियों और परीक्षा निरस्त होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने कहा ने मतलब बिना परीक्षा के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का आदेश जारी कर दिया है। परिषदीय स्कूलों में पहले मतलब पहली से लेकर 8वीं तक करीब 1.6 करोड़ विद्यार्थी हैं। योगी कैबिनेट के मंगलवार परीक्षाएं स्थगित करने के निर्णय के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने 23 से लेकर 28 मार्च तक होने वाली परीक्षाएं निरस्त कर दी। 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र 2020 और 2021 शुरू होना है। ऐसे में विभाग ने परिषदीय विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय किया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट्स होगी आप सभी छात्रों के लिए कि ये फिलहाल अभी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए किया गया है। ये मत सोचिएगा कि दोस्तों ये नियम डीएलएड पर लागू होता है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है आप लोग के। दोस्तों, जो डीएलएड का पेपर कैंसिल हो रहा है तो आपका पेपर फिर आप लोग सीधे सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं, और थर्ड सेमेस्टर वाले छात्र फोर्थ में पहुंच जाते हैं, और किसी के बैग भी ना लगती, मतलब सबको पास माना जाता है एक तरह से, आप ये समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत पता क्या आएगी, क्योंकि आपको यहाँ परसेंटेज लाना पड़ता है, आपके फिर तो पता नहीं चलेगा आपको नंबर कितने दिए जाए। हो सकता है दोस्तों कोई छात्र 25 में 25 ला सकता है, कोई छात्र 25 में 20 ला सकता है। अगर आपको अगले क्लास में या अगले सेमेस्टर में डालना भी पड़ेगा तो सबको या तो समान नंबर मिलेगा, तो वही कारण है दोस्तों आपका पेपर में ऐसा नहीं होगा। फिलहाल आपका पेपर देर भले होगा, लेकिन पेपर एक दिन जरूर होगा, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। और इस समय गणित की आपको जो रिविजन होना चाहिए दोस्तों वो बहुत ही अच्छी है। देखिए, आप गणित के लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने का पूरा प्रॉपर मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो गणित में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू शुरू कर दीजिए फिर से दोस्तों तैयारियां अपनी, और जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और जितनी भी दोस्तों डीएलएड और बीटीसी एग्जाम की अपडेट्स होगी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहती है। और आपको अगर आपने हमारे साथ काफी दिन से कनेक्ट होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों हमने कितने दिन पहले ही आपको बता दिया था, एक इशारा और एक हिंट दे दिया था कि दोस्तों आपकी परीक्षाएं कैंसिल हो सकती हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपने उस हिंट्स को समझा होगा। और देखिए, जब तक होता क्या है ना, अफवाहें क्या आती हैं कि जब तक दोस्तों कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं होनी चाहिए तब तक दोस्तों हमें ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ परीक्षा आपकी कैंसिल हो चुकी है। तो होता है कभी कभी दोस्तों कि खाली ऐसे होता है ना, खबरें आती रहती हैं, लोग आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों जब तक आपका न्यूज़पेपर देखिए, कोई ना कोई आपके पास एक सोर्स होना चाहिए जो बिल्कुल पक्का हो, जिसके माध्यम से आप ये कह सके कि नहीं आप पेपर कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना। कोई कोई दोस्तों ऑर्डर की या तो कॉपी होनी चाहिए आपके पास, या तो कोई न्यूज़पेपर, उसके बाद ही दोस्तों आप ये कह पाएंगे कि आपका पेपर कैंसिल हुआ है या नहीं। फिलहाल देखिए, अब आपका पेपर कैंसिल हो चुका है, अब इसको लेकर आप किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में मत रहिए। हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिएगा, ये मत सोचिएगा यार पेपर कैंसिल हुआ तो पढ़ाई छोड़ दें। पेपर इसलिए कैंसिल किया गया कि आप घर से कम निकलें, घर में रहिए, तैयारी करिए। और देखिए, हाँ आप थोड़ी सी बात कर लेते, कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही गंभीर समस्या है इस समय दोस्तों, और इससे आप लोग बहुत ही आसानी से इसको सुलझा सकते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, सिंपल से काम करिए, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलें। जी हाँ दोस्तों, अगर जरूरत नहीं तो बेमतलब का घूमने के पर्पज से मत निकलिए अभी, क्योंकि दोस्तों देखिए जब कोई छुट्टियां या पेपर कैंसिल होता है, आप सोचिए कि इतना बड़ा इस वायरस में ऐसी कोई ना कोई तो बात होगी, जिसके चलते दोस्तों सरकार भी इतनी गंभीर हो चुकी है। इतने कम टाइम में देखिए सरकार ने दोस्तों काफी बड़े फैसले ले लिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़े फैसले हमको लग रहा है कि इस समय यूपी सरकार का है, और काफी बड़े फैसले आपको आने वाले समय में और देखने को मिल सकते हैं। तो अभी से आप तैयार रहिए, प्रैक्टिस में रहिए कि अगर कोई और सरकार बड़े और कड़े फैसले लेती है उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो फिलहाल आपको कुछ सावधानियां बरतनी है कि आप किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, हैंडशेक नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्ते कर सकते हैं। देखिए, एक काम और आपको करना है कि अपने हाथों को धुलते रहना है, और जब घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर से जरूर दोस्तों लगा कर निकले। आपको लगता होगा यार कुछ नहीं होता, सब कुछ भगवान भरोसे है। देखिए दोस्तों, जब आप मेहनत करते हैं, तैयारियां करते हैं, तब भी दोस्तों आप ये करते हैं ना, जो मेहनत करता है उसी को मतलब होता है ना, कर्म करने वाले को ही फल मिलता है। वैसे दोस्तों यहाँ पर भी है कि अगर आप कोरोना वायरस है तो जब तक आप अपना बचाव खुद नहीं करेंगे तब तक ऐसा ना मत सोचिएगा कि सब कुछ भगवान करेंगे।
खुद भी दोस्तों करना है, फिर तो भगवान तो है ही हमारे साथ, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। तो फिलहाल कुछ कुछ सावधानियां आपको रखनी है, बरतनी है। तो चलिए ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके बता दीजिए कि अब पेपर कैंसिल हो चुका है, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और हैव अ नाइस डे। और इंजॉय करिए, थोड़ी बहुत मस्ती कर सकते हैं। हो सकता हो कि आप पेपर की टेंशन में काफी ज्यादा होता है ना, स्ट्रेस में रहो, तनाव में रहो, तो पेपर अभी कैंसिल हुआ है, एक दो दिन थोड़ा रिलैक्स करिए, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।